हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोर। दोस्तों आ गया हम लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट का। यानी कि हम लोग के पोर्टफोलियो बना रहे थे दोस्तों, हम लोगों ने कुछ इस तरीके का डिजाइन बनाया था। ये देखिए इतना हमारा काम हो गया था। अब हमें क्या काम करना है, इसको, ये जो हमारा एनिमेशन हो रहा है इसको बनाना है दोस्तों। तो ये कैसे होगा, बहुत ही आसान है इस चीज को बनाना, आप लोग फ्यूचर में कभी नहीं भूलेंगे अगर आप ये वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाना आज सीख जाएंगे 100%, और कभी भी दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है मेरी। और ये जो पार्ट हमारा कहाँ पे जाएगा, इस वाले प्लेलिस्ट में जाएगा, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट में, इसी में जाएगा दोस्तों। आप लोग इसी से जाके एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और अचीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए वीएस कोड में। सबसे पहले देखिए आपको अपना फाइल ओपन कर लेना है। मैं अपना फोल्डर ओपन करके रखा हूँ और इसको रन भी कर रखा हूँ। देखिए ब्राउजर में मैंने रन कर लिया दोस्तों, तो आप लोग को इतना काम कर लेना है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि हमें ये एनिमेशन बनाना है। अगर आप लोग को ये फॉन्ट नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग गूगल फॉन्ट का दूसरा फॉन्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यही वाला यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिखेंगे। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और अचीव करते हैं इसको भी। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एक आईडी दे दी, यहाँ पे लिखा हुआ था आई एम ए डिजाइनर। ठीक है, इस तरीके से लिखा था कुछ हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक आईडी दे दी है, ये देख लीजिए। इसी आईडी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे, जेएस में। तो यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए जहाँ पे डॉक्यूमेंट का कोड खलास हो रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका कोड खलास हो रहा है, तो इसी के नीचे हम लोग कोड करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो एक वेरिएबल में उसी को स्टोर कर लीजिए। तो एक वेरिएबल बनाया मैंने इस तरीके से, हेडिंग नाम का इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, इस तरीके से मैं डिफाइन करता हूँ एलिमेंट बाई आई डी, और उसी हेडिंग को मैं यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ। आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं वहाँ पे, हेडिंग की जगह आप टैग लाइन वगैरह दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आई डी देना हो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं इस तरीके से, एंड इसका नाम मैं देता हूँ अपडेट, अपडेट हेडिंग है ना, इस तरीके से मैंने इसका नाम दे दिया अपडेट हेडिंग। तो आप लोग कुछ भी नाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसमें मैं अलर्ट पास करके इस तरीके से, और पेज लोड होते ही मैं कॉल कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे जैसे पेज लोड होगा हमारा, इसके बाहर अगर आप कोई भी फंक्शन कॉल करते हैं पैरेंथेसिस के बाहर, फंक्शन सॉरी कर्ली ब्रैकेट के बाहर, तो वो समझिए कि पेज लोड होते ही कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को मैंने क्या किया, पेज लोड होते ही कॉल कर दिया। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा तो अलर्ट आना चाहिए। ये देखिए अलर्ट आ गया, इसका मतलब हम आगे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या एक्चुअली दोस्तों, ये जो चीज यहाँ से लिखा हुआ है, ये चीज आई एम ए डिजाइनर, आई एम, ये इसको कट कर लीजिए। इसको आपको क्या करना है, कंट्रोल एक्स कर लेना है इसके अंदर से, और यहाँ पे आ जाना है इस तरीके से, अलर्ट को हटा के जो हेडिंग है ना, जो जिसमें हम लोगों ने हेडिंग को स्टोर किया, यानी कि उस टैग को स्टोर किया है, यहाँ पे डॉट इनर एचटीएमएल लगाएंगे इस तरीके से, एंड यहाँ पे डबल, ये देखिए डुअल कोड के अंदर इसको रख देंगे। बस इतना ही काम करना है। तो देखिए जो हम लोग ने वहाँ से हटा दिया, लेकिन तब भी ये यहाँ पे दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ से अगर मैं हटा दूंगा तब ये नहीं दिखेगा, कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं और हटा देता हूँ, अब वो चीज़ नहीं दिखेगा। ये देखिए है ना, वो चीज़ नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग वहां से लिखें या यहाँ से लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें एक्चुअली क्या करना है, हमारे जो वर्ड है, यानी कि जो हमें मतलब लिखना है, वो हम लोग स्टोर कर लेंगे एक एरे में। ठीक है, तो एक एरे में कैसे स्टोर करेंगे, एक वेरिएबल बना लीजिए ARR, यानी कि एरे नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया इस तरीके से, एंड यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ। तो सबसे पहले जो लिखाना है आपको, डिजाइनर लिखना है इस तरीके से, है ना, सब कुछ कीजिए। डिजाइनर मैंने लिख दिया, उसके बाद इन्फ्लुएंसर लिख देता हूँ मैं, इन्फ्लुएंसर इस तरीके में लिख देता हूँ इन्फ्लुएंसर, है ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी इसको आप लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो कामा देखिए ये दूसरा है। ठीक है, फिर कामा देंगे यहाँ पे, तीसरा लिखेंगे हम लोग टेस्टर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, या सिर्फ टेस्टर लिख देंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सॉफ्टवेयर इस तरह से लिख दिए, सॉफ्टवेयर टेस्टर, है ना, इस तरह से मैंने लिखा। उसके बाद टेस्टर हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्टर, तो कामा लगा के मैं इस तरह से लिख देता हूँ इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर लिख दिया। उसके बाद मैं कामा दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रीलांसर, है ना, तो फ्रीलांसर इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो आप जो भी लिखना चाहें कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये एक एरे हो गया, इसी एरे के इंडेक्सिंग नंबर का यूज करेंगे और यहाँ पे डेटा को शो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसको हटाना है आपको, ये जो डिजाइनर लिखा हुआ है, डुअल कोट देना है दो बार, ठीक है, उसके अंदर प्लस देना है दो बार। उसके बाद आपको ARR यानी कि एरे का यूज करना है, और एरे के किसी भी इंडेक्सिंग नंबर की डेटा का एक्सेस करिए। यानी कि जैसे मैंने सपोर्ट किया यहाँ पे 4 पास किया, तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, यहाँ पे रिलोड करूंगा तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए मैंने रिलोड किया तो फ्रीलांसर आया, यानी कि एरे के 4 इंडेक्सिंग नंबर पे फ्रीलांसर है। यहाँ पे अगर मैं 1 पास करूँ तो एरे के 1 इंडेक्सिंग नंबर पे देखिए क्या है, इन्फ्लुएंसर है, ये 0 इंडेक्सिंग नंबर पे, तो एरे कभी भी 0 से स्टार्ट होता है, देखिए क्या आएगा, इन्फ्लुएंसर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको डायनेमिक चेंज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें इसको कैरेक्टर को ऐसे नहीं शो करना कि एक बार में एक पूरा वर्ड आ जाए, पूरा एक बार में मुझे एक ही करेक्टर शो करना, तो कैसे पास करेंगे, यहाँ पे देखिए एरे के बाद आपको डॉट स्लाइस मेथड का यूज करना है, स्लाइस मेथड, है ना, तो यहाँ पे आपको मिलता है स्लाइस मेथड। तो इसमें अगर आप इस तरीके से लिखते हैं कि
मुझे कहाँ से डेटा चाहिए, अगर आपको जीरो से डेटा चाहिए तो जीरो लिखेंगे पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर गामा देके वो डेटा लिखेंगे जितना डेटा चाहिए। तो जैसे मैं 03 लिखा तो जो इन्फ्लुएंसर है ना यहाँ पे इसका 3 करेक्टर मुझे मिलेगा, ये देखिए हाई आई एन एफ मिला। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं 3 की जगह 4 लिखूँ या 5 लिख देता हूँ तो यहाँ पे मुझे 5 करेक्टर मिलेगा इन्फ्लुएंसर, ये देखिए इन्फ्लुएंसर इस तरीके से मिलेगा आई एन एफ यू एल यू, यानी कि 5 करेक्टर मुझे मिल रहा है। इसी तरीके से आप इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये आपको करेक्टर देता रहेगा। देखिए मैंने 3 किया तो यहाँ पे क्या आ गया 3 करेक्टर मिलेगा। अगर मैं इसको भी चेंज करूँ, इसको मैं 4 करूँ फिर से, तो हमें फ्री लैंसर का 3 करेक्टर मिलेगा, ये देखिए फ्री लैंसर का 3 करेक्टर मिलेगा, है ना इस तरीके से। तो हमें बेसिकली दोनों को डायनेमिकली अपडेट करना है, यानी कि इसको भी बढ़ाना है और इसको भी बढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसको कैसे बढ़ाएंगे देखिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक एरे जहाँ पे है ठीक है, इसके नीचे एक वेरिएबल बना लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एक वर्ड या टेक्स्ट एरे में बना लेता हूँ, टेक्स्ट अंडरस्कोर एरे है ना, या ARR इंडेक्स, ARR अंडरस्कोर इंडेक्स नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया। तो आप वेरिएबल मीनिंगफुल बनाइए तो ज्यादा बेटर। इसमें मैं 0 स्टोर कर देता हूँ, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जो ARR इंडेक्स मैंने बनाया यानी कि एरे का इंडेक्स मैं इसमें अपडेट करूंगा इस 0 को, यानी कि जो एरे का इंडेक्स है इसको मैं इससे अपडेट करूंगा, इससे एक्सेस करके यहाँ पे लिखूंगा ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ARR इंडेक्स का यूज करूँ, फिलहाल ये देखिए ARR इंडेक्स का अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला क्या एक्सेस होगा 0। अब 0 क्यों एक्सेस हुआ, यहाँ पे देखिए डिजाइनर आ गया। अगर यहाँ पे ये 0 क्यों एक्सेस हुआ, क्योंकि यहाँ पे एरे का 0 पास है। अगर मैं यहाँ पे 1 पास करूँ तो इसका और इसका एरे का कोई रिलेटेड नहीं है ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग हाँ इससे रिलेशन ये हो रहा है। यहाँ पे अगर आपने 4 पास किया है तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ये जो एरे है ये वाला वेरिएबल है इसके अंदर 4 पास हो रहा है यहाँ पे ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को। यहाँ पे अगर रिलोड करूंगा तो देखिए फ्री लैंसर आएगा। तो इसी को हमें अपडेट करना है, यानी कि जो 4 पास किया हमने, 3 पास किया, 2 पास किया, तो इसको हम लोग अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे देखिए, तो दूसरा वाला आएगा, तो इसको हम लोग कैसे अपडेट करेंगे, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं इसको 0 ही रहने देते हैं और कैरेक्टर को अपडेट करते हैं, यानी कि जो कैरेक्टर है इसको इस 0 को बाद वाले, तो ठीक है। तो एक वेरिएबल और बना लेता हूँ मैं, केयर अंडरस्कोर इंडेक्स, यानी कैरेक्टर इंडेक्स नाम का इक्वल टू, मैं यहाँ पे भी 0 पास करता हूँ और यहाँ पे मैं ये कामा के बाद यहाँ पे मैं कैरेक्टर इंडेक्स को अगर पास करूँ और इस कैरेक्टर इंडेक्स को मैं यहाँ पे सपोज कीजिए 5 कर दूँ, तो यहाँ पे कितना डेटा मुझे मिलेगा, ये देखिए 0 वाले का 5 डेटा मिलेगा, डिजाइन आया। इसको मैं घटा दूँ बढ़ा दूँ, इसको मैं 6 कर दूँ, तो यहाँ पे हमने डायनेमिक वेरिएबल यूज किया है, क्यों, क्योंकि मैं इस नंबर को अभी अपडेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर रिलोड करूंगा तो देखिए हमारा ये देखिए डिजाइन का 6 वर्ड आया ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे पहले 0 रखेंगे, अभी हम लोग इसको अपडेट करेंगे। तो कैसे अपडेट करना है, यहाँ पे आ जाइए, सबसे पहले आपको सेट टाइम आउट मेथड को यूज करना है, सेट टाइम आउट मेथड को इस तरीके से यूज करना है और यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करेंगे जिसमें आपका डेटा है। तो अपडेट फंक्शन को हम लोग इस तरीके से अपडेट हेडिंग जो फंक्शन है उसको कॉल कर देंगे और कितने सेकंड में इसको कॉल करना है, यानी कि कितने सेकंड में बार बार ये कॉल होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 500 मिलीसेकंड, अगर आप 1000 मिलीसेकंड देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड ठीक है। तो अब हर सेकंड यानी कि हर 500 सेकंड पे 500 मिलीसेकंड पे ये हमारा फंक्शन जो हेडिंग वाला वो कॉल होता रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा कैरेक्टर इंडेक्स है उसको प्लस प्लस कर देता हूँ, ये देखिए अब क्या होगा, पहले ये पहली बार अगर 0.5 सेकंड पे कॉल होगा तो इसका इंडेक्सिंग नंबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर इसका 2 होगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 होगा तो 3 आ जाएगा, 4 होगा 4 आ जाएगा, 5 होगा, जितना भी इसमें करेक्टर होगा इस तरीके से वो यहाँ पे आता रहेगा यहाँ पे ठीक है। तो करेक्टर खत्म होगा तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यहाँ पे अगर रिलोड करूंगा दोस्तों तो ये देखिए इस तरीके से चलने लगेगा डिजाइनर, बस इतना था इसमें चलाने के लिए ठीक है। तो देखिए डिजाइनर पे जाके रुक गया, डिजाइनर पे जाके रुक गया। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि डिजाइनर में देखिए जितना अच्छा रहेगा उतना ही चलेगा ना ये। अब इसको अगर अपडेट कर देंगे, इसको अगर आप 2 कर देंगे, यहाँ पे 1 कर देंगे इसको, तो इन्फ्लुएंसर आ जाएगा, फिर इसको 2 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सॉफ्टवेयर टेस्टर, फिर 3 कर देंगे तो ये आ जाएगा, 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको भी हमें अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन पास करता हूँ, यहाँ पे इफ जो हमारा मतलब जो हमारा केयर इंडेक्स है, केयर इंडेक्स इक्वल टू ARR एरे का मैं पास करता हूँ एरे, और इसमें मैं ARR इंडेक्स, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, ARR इंडेक्स डॉट लेंथ इसमें पास करता हूँ, अभी मैं बताता हूँ आपको ठीक है। मैंने ये कंडीशन ये लगाया है कि ये कैरेक्टर इंडेक्स सपोज कीजिए इसमें 6 कैरेक्टर है ठीक है, तो यहाँ पे कितना कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर है ना, सपोज कीजिए ये 7 हो गया है ना, यहाँ पे सारा मतलब डेटा आ गया। अब ये 7 हो गया तो हमें इसको अपडेट करना, तो वही चीज मैंने लिखा कि कैरेक्टर इंडेक्स क्या ARR एरे के 0 वाले, यहाँ पे क्या पास है 0, ये देखिए 0 है तो यहाँ पे 0 वाले लेंथ निकालेगा ये ठीक है, 0 वाले का लेंथ यानी कि इसका लेंथ निकालेगा। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर 0 है तो सपोज कीजिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन हम लोग वेरिएबल का यूज कर रहे हैं,
क्योंकि हमें डायनेमिक अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजाइनर ही लिखा हुआ है, तो इसी का लेंथ निकालेगा ये, यानी कि जीरो वाले इंडेक्सिंग नंबर का लेंथ निकालेगा। अभी यहाँ पे अरे इंडेक्स में क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो आएगा, तो जीरो वाले का लेंथ निकालेगा और इसका लेंथ और इसका लेंथ कैरेक्टर इंडेक्स का कितना प्लस प्लस हुआ मैच करेगा। अगर ये दोनों मैच कर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ए आर आर इंडेक्स है उसको भी प्लस प्लस कर देंगे। ये देखिए ए आर इंडेक्स को प्लस प्लस कर देंगे और जो कैरेक्टर इंडेक्स है उसको हम लोग जीरो कर देंगे। बस इतना काम करना है आपको। तो देखिए आपका ये कंटिन्यू चलता रहेगा। रिलोड करूंगा यहाँ पे आके दोस्तों, देखिए अब क्या होगा, पहले डिजाइनर आएगा है ना, तो पहले डिजाइनर आया यहाँ पे, फिर इन्फ्लुएंसर आएगा, जो भी आपने वहां पे लिखा होगा वही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है दोस्तों। सॉफ्टवेयर टेस्टर आएगा, जितना उसमें कैरेक्टर होगा उतना वहां तक जाएगा वो, है ना। ये देखिए सॉफ्टवेयर टेस्टर आया। तो अगर आप लोग को इसमें समझने में दिक्कत आ जाए तो हमें जरूर मेल करेंगे दोस्तों, और हमसे जरूर व्हाट्सएप ग्रुप हमारे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो कहीं पर भी। मैं नहीं चाहता किसी को दिक्कत हो, ठीक है। तो और सबसे पहले तो यहाँ पे एक रिव्यू देंगे आप लोग, जो हमने इसका जो है ये देखिए रुक गया है ना, ये रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें क्या करना है, फिर से इसको जीरो कर देना है। इसको जीरो करेंगे फिर से ताकि हमारा ये चलता रहे, ठीक है। तो ये इसमें लेंथ खत्म हो गया एरे का, इसके वजह से ये जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे जाकर रुक गया। एक चीज और बताना है आप लोग को, रिव्यू देना दोस्तों कि मैंने जो है विजुअल स्टूडियो का थोड़ा लुक चेंज कर दिया है, तो क्या आप लोग को इसमें समझ में आ रहा है कुछ, है ना। अगर आप लोग को दिखने में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, लुक मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो आगे का काम करते हैं, यानी कि ये रुक गया, अब हमें फिर से इसको अपडेट करें। ये रोका क्यों, सबसे पहले ये समझिए, रोका इसलिए दोस्तों क्योंकि इस एरे का लेंथ खलास हो गया है ना, तो जितना लेंथ था उतना तक गया, उसके बाद रुक गया। तो मैं फिर से इसको जीरो कर दूंगा ना एरे इंडेक्स को। यहाँ पे आ जाइए, एक और कंडीशन पास कीजिए, इफ जो हमारा ए आर आर इंडेक्स है इक्वल टू ए आर आर डॉट एरे डॉट लेंथ इक्वल टू पास करेंगे, है ना, इक्वल टू ए आर आर एरे डॉट लेंथ, यानी कि इसकी लेंथ के बराबर अगर हो गया है तब क्या करेंगे, फिर से हम लोग जो हमारा ए आर आर इंडेक्स है उसको जीरो कर देंगे। तो ये देखिए जीरो हो जाएगा, फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे रिलोड करूंगा तो हमारा ये अब नहीं रुकेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों। अगर आप लोग को दिक्कत हुआ है तो आप हमें ईमेल जरूर करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये बार बार कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, बहुत सारा वहां पे वर्ड जोड़ देंगे। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा फ्यूचर में। जितना भी आप यहाँ पे करेक्टर जोड़ना चाहेंगे, वर्ड जोड़ना चाहेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं डिजाइनर या डेवलपर लिख देता हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से जितना भी आप लिखेंगे वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने डेवलपर लिख दिया, इस तरीके से वो चलता रहेगा। ये देखिए इंस्ट्रक्टर आ गया है ना, फ्रीलांसर आएगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो डेवलपर अभी नहीं आएगा क्योंकि हमने डेवलपर भी आएगा क्योंकि नहीं है डेवलपर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रिलोड नहीं किया। तो रिलोड कर दूंगा तो डेवलपर आ जाएगा। इस तरीके से ये वो चलता रहेगा और डेवलपर भी लास्ट में आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। अगर दिक्कत हुआ है तो आप जरूर हमें ईमेल करिए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाता है, ठीक है। जितना भी फोटो है इस वाले पोर्टफोलियो का वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपना फोटो आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने बारे में मतलब अपने हिसाब से डिजाइन करिए ना, आप अपना टेक्स्ट रखिए। बस मैं आपको डिजाइनिंग बताता हूँ कि कैसे करना है। ये देखिए अभी डेवलपर भी यहाँ पे एक नया वर्ड आ जाएंगे, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पे बस आप लोग बढ़ा देंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ आपको यही वर्ड बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आप कोई भी सेंटेंस बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको एनिमेशन बनाना है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों। दिक्कत हुआ है तो आप हमें जरूर ईमेल करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। बढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।